हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की तरफ से एनएफसी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, जो इससे पहले आप लोगों का रिक्रूटमेंट निकला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। डियर फ्रेंड, रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप लोग जाओगे तो टॉप पर आप लोगों को मिल जाता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो एनएफसी अपॉन 01/2019 एंड NFC अपॉन 02/2019, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को होल्ड किया गया है ड्यू टू COVID-19। तो मैं यहां पे सारी चीजों को आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, इसको मैं डाउनलोड करके सारे नोटिस को आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। देखिए, आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहां पे देखोगे 17 जुलाई 2020 को इसको अपडेट किया गया है। नोटिस की डियर फ्रेंड यदि बात करें तो यहां पे क्या बोला है, ऑल द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन आर वेरियस पोस्ट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, एनएफसी अपॉन 01/2019 एंड एनएफसी अपॉन 01/02/2019। आपने किसी भी एडवर्टाइजमेंट में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट का, उसको क्या किया गया, होल्ड किया गया है, रोका गया है। बिकॉज रीजन क्या है, ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक के कारण, बिकॉज ऑल ओवर कंट्री में इन्होंने बोला है कि किसको यहां पर लार्ज गैदरिंग को क्या किया गया है, रोका गया है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसलिए तो आप लोग चिंतित मत होइएगा, ये जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होती है, आप लोगों का रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं हुआ है, आप लोगों के रिक्रूटमेंट को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया, वो भी एक एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, COVID-19 की वजह से। क्लियर है ना, बिकॉज आप लोगों का एग्जाम होगा तो भाई डेफिनेटली बात है गैदरिंग होगी, तो यहां पर यह अलाउ नहीं है। ये हमारे पेंडेमिक के लिए काफी खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। एंड यहां पे उन्होंने फिर से उस चीज को क्लियर किया है, आप लोगों ने जो भी एग्जामिनेशन यहां पे आप लोगों का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंफॉर्मेशन होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। एंड इन्होंने बोला है कि जब भी हमारी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होगी तो आप लोगों को अपडेट करके उस चीज को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो कि एनएफसी की वेबसाइट पर जो है आप लोगों को विजिट करते रहना है, टाइम टू टाइम इन्होंने एडवाइस किया है। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहां पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिस है एंड ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो अभी आप लोगों का एग्जाम डिले हो गया है, ये मान के चलिए 4 मंथ से ज्यादा डिले हो गया आप लोगों का एनएफसी का एग्जाम। तो अभी आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जो एनएफसी को फोकस कर रहे थे एग्जाम डेट के लिए वेट कर रहे थे, थोड़ा सा और वेट आप लोगों को करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का आ गया है। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी और इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा निगेटिव न्यूज हो सकता है बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए, और काफी सारे स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिविटी के साथ ले सकते हैं क्योंकि उनका प्रेपरेशन उस लेवल का नहीं था और काफी सारे स्टूडेंट तैयार थे एग्जाम देने के लिए। तो दोनों साइड है इसकी, जो साइड आप देखना चाहो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि भाई देखिए ये सिचुएशन है तो इसमें डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। अभी फिलहाल जब तक नॉर्मल नहीं होगा तो एग्जाम लेना इतना पॉसिबल नहीं है। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए, बाकी मेरा साथ आप लोगों के बना रहेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।